नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अर्थराइटिस क्या होता है, यानी कि गठिया क्या है। गठिया अर्थराइटिस गाउट की प्रॉब्लम है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे लगभग लगभग दुनिया का हर दूसरा व्यक्ति पीड़ित है, और उम्र के आखिरी पड़ाव में तो अक्सर ये प्रॉब्लम सभी को हो जाती है, और ये रोग नए उम्र के लोगों को भी हो जाता है। इसमें हड्डियों का मेटाबोलिज्म गड़बड़ हो जाता है, इसमें आर इफेक्ट प्रॉब्लम हो जाता है, ESR बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने से दर्द होता है, आर इफेक्ट पॉजिटिव होने से हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हड्डियों का मेटाबोलिज्म पूरा गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए एलोपैथिक दवाइयाँ हम लोग लेते हैं, लेकिन दोस्त एलोपैथिक दवाइयों से तो दर्द में राहत थोड़े देर के लिए मिल ही जाती है, लेकिन आप अर्थराइटिस यानी कि गठिया को ठीक नहीं कर सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस बढ़ जाता है तो स्टेरॉइड दे देते हैं, इससे राहत मिल जाता है, लेकिन इससे हड्डियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ओस्टामिन ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। जब ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है तो इसको राहत देने के लिए डॉक्टर जो कैंसर की दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ अर्थराइटिस के मरीजों को देने लगते हैं। अर्थराइटिस जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो हर एक जोड़ों में सूजन आने लगती है, फिर धीरे धीरे गांठें पड़ने लगती है, इसी को गांठिया बोलते हैं, और इससे आदमी की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वो व्यक्ति ना ठीक से घूम सकता है, ना ही टहल सकता है, ना ही शौच अच्छे से कर सकता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गठिया के 100 से ज़्यादा प्रकार पाए जाते हैं। इसमें जो हम लोग खान पान करते हैं उसमें थोड़ा सा हमको सावधानियाँ रखनी है। हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन सा खाना यदि हम परहेज करेंगे तो हमको ज़्यादा राहत मिलेगा। आप यदि दही, चावल, ड्राई फ्रूट्स, दाल और पालक का सेवन करने से परहेज करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस सभी में प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो इस समस्या को बढ़ा देता है। इसमें दूध और चावल का सेवन ना करें, ऐसा करने से शरीर में यूरिया एसिड जमा होने लगता है। इसके अलावा छिलके वाले दाल से पूरी तरह परहेज करें। इस रोग से राहत पाना चाहते हैं तो मीट मटन मछली अंडा तुरंत छोड़ दें, क्योंकि इसके सेवन से शरीर में यूरिया एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। खाना खाते समय पानी का सेवन न करें। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और तुरंत तुरंत पानी पीते हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। खाना खाने के आधा से एक घंटे बाद पानी पिए तो ये आपको काफ़ी राहत देता है। यूरिक एसिड को बढ़ाने में प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन है, जिससे यूरिक एसिड काफ़ी मात्रा में बढ़ जाती है। दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड हमारे शरीर में तब बनता है जबकि प्यूरिन उसको संशोधन करता है, यानी कि उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। इसमें आपको खान पान बिल्कुल बदलना होगा। पनीर, फास्ट फूड, राजमा और मार्केट का तला हुआ और चावल आप ये बिल्कुल बंद कर दें। इतना परहेज करने से आपको बहुत राहत मिलेगा। किसी भी जोड़ में किसी भी कारण सूजन जब आ जाती है, या तो जोड़ की जो सतह है जिसको कार्टिसोल बोलते हैं, जब वह घिस जाता है या उसमें हम बदलाव देखते हैं, इसे हम अर्थराइटिस कहते हैं। और इसके कई कारण हैं, किसी तरह से चोट आने की वजह से हो सकती है, उम्र के अनुसार भी हो सकती है, जोड़ में यदि इन्फेक्शन हो जाए इससे भी हो जाता है। दोस्तों, यदि यह हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप लोग को और देखने को मिले, ऐसे भयंकर रोगों से आपको छुटकारा मिले। धन्यवाद।